हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइनेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम टाइप्स के बारे में बात करने वाले। किसके टाइप्स? फायरवॉल के टाइप्स के बारे में बात करने वाले। और आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए दो वेरी वेरी आईएमपी एंड वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलरली नोन टाइप्स ऑफ फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं ये जानकारी से ज्यादा और कम से कम आपका समय लेने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जानते हैं भैया पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है, उसको अगर जानना है तो इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे उस फायरवॉल को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पे बीचों बीच आपका एक फायरवॉल है पैकेट फिल्टरिंग राउटर करके, वो एक बीचों बीच आपका फायरवॉल है जो कि प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में है। और ये जो आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 दीज आर नथिंग बट द सिंपली सेट ऑफ रूल्स। ये पहला आईएमपी पॉइंट है रिलेटेड विद द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो उसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपका जो फायरवॉल है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल उसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, अब वो सेट ऑफ रूल्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? सो दोज ऑल द सेट ऑफ रूल्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन किसके ऊपर? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। यानी कि आपके वो रूल्स जो है सिंपली ये पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अब ये पैरामीटर्स कहाँ से आए भैया? यहाँ से, जब भी इंटरनेट से आप कोई डेटा प्राइवेट नेटवर्क को भेजते हो तो वो डेटा सिर्फ पेलोड एज अ डेटा ऐसे ही नहीं आता ना, वो एक पैकेट के फॉर्म में आता है। डेटा पैकेट आईपी पैकेट के फॉर्म में आता है। तो उस डेटा और पेलोड के साथ साथ सोर्स एड्रेस भी होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है, पोर्ट नंबर भी होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया वो भी होता है। तो वो सारा जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो इंटरनेट से आपके प्राइवेट नेटवर्क में आता है। तो ये हो गया वो आपका डेटा पैकेट, बराबर। अब वो डेटा पैकेट डायरेक्टली प्राइवेट नेटवर्क के पास तो जाता नहीं, वो सबसे पहले आपके फायरवॉल के पास रुकता है। तो फायरवॉल के पास अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बराबर। अभी समझ लो ये जो रूल नंबर 2 है, मान लीजिए ये जो रूल नंबर 2 है उसने बोल रखा है कि जो सोर्स एड्रेस 10 है, मान लीजिए ओके सोर्स एड्रेस 10 है, उससे अगर कोई भी डेटा पैकेट आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस डेटा पैकेट को सभी रूल्स के अगेंस्ट मैच करके देखते हैं, बराबर। और अगर इसका सोर्स एड्रेस जो है वो 10 निकलता है इस डेटा पैकेट का, तो सिंपली फायरवॉल क्या करता है, इस डेटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, बराबर। मतलब कुछ तो भी ये कंसिडर्ड एक्शन लिया जाता है अगर ये पर्टिकुलर मेरा डेटा पैकेट किसी एक रूल को मैच कर जाता है। तो अभी ये डेटा पैकेट जिसका सोर्स एड्रेस 10 था वो मेरा रूल नंबर 2 को मैच कर गया, बिकॉज़ यहां पे सोर्स नंबर 10, अगर सोर्स एड्रेस मेरा 10 है तो उसे डिस्कार्ड करना है, उस वहां से सोर्स एड्रेस से जो भी पैकेट आ रहा है उसको डिस्कार्ड करना है, वो इस रूल में मेंशनड है जो इस फायरवॉल ने कर दिया। तो ये अभी इस प्राइवेट नेटवर्क में नहीं जाएगा, इस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड की पैकेट फिल्टरिंग राउटर ने, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी मैंने लिखी हुई है। तो बेसिकली हम लोग यही चीजें चेक कर रहे हैं कि क्या वो उस सोर्स एड्रेस से आ रहा है, पोर्ट नंबर क्या है, कि पोर्ट नंबर अगर ये पोर्ट नंबर होगा उस पैकेट का तो उस पैकेट को अलाउ करना है या नहीं करना, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। तो इफ रूल इज मैच्ड, जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर का रूल था वो इस डेटा पैकेट को मैच हो गया, नाउ देयर इज अ डिसीजन फॉरवर्ड या डिस्कार्ड। तो फॉरवर्ड करना है डिस्कार्ड, अभी इस रूल में लिखा था कि डिस्कार्ड करना है, कोई एक रूल होगा जो बोलेगा नहीं फॉरवर्ड करना है। मान लीजिए रूल नंबर 3 है, वो बोलता है कि अगर पोर्ट नंबर इसका अगर 25 होगा, से 25 होगा तो उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो वो डेटा पैकेट आपका फॉरवर्ड हो जाएगा जिसका पोर्ट नंबर 25 होगा। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो देखी जाती है कि इफ रूल इज मैच्ड, अगर रूल मैच होता है तो एक तो आप उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करोगे या फिर डिस्कार्ड करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने रूल्स किस तरीके से डिफाइन किए हैं, एक तो फॉरवर्ड करोगे डिस्कार्ड करोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर बाय चांस ये वाला जो डेटा पैकेट है वो किसी भी रूल से मैच ही नहीं हुआ, तो किसी भी रूल से अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आपके पास फिर से दो ऑप्शन बचते हैं, डिफॉल्ट एक्शन कहते हैं उसे, डिफॉल्ट एक्शन कहते हैं। डिफॉल्ट एक्शन कब होता है कि जब आपका ये जो डेटा पैकेट है वो किसी भी रूल से मैच नहीं हुआ, तब आपके पास फिर दो ऑप्शन आते हैं कि भाई एक तो आप उसे फॉरवर्ड करो या फिर डिस्कार्ड करो। लेकिन फॉरवर्ड करना बहुत ही हार्मफुल है आपके प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ऐसा डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना सच में बहुत हार्मफुल है जो कि किसी भी रूल से मैच ना हुआ हो। इसीलिए द डिफॉल्ट एक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम द डिफॉल्ट एक्शन दैट द चूजन इज कि भैया सिंपली डिस्कार्ड दैट डेटा पैकेट विच इज एक्चुअली नॉट मैच्ड विद एनी ऑफ द सेट ऑफ रूल्स। किसी भी रूल से मैच नहीं हुआ उस पैकेट को डिस्कार्ड करो, इट्स गुड नॉट टू गोइंग इनटू द प्राइवेट नेटवर्क। तो ये चीजें हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो जैसे मैंने बताया था ये आपका भैया सिंपली क्या है, डेटा पैकेट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, जैसे सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर होता है, बहुत सारी चीजें होती है और आपका डेटा भी होता है। तो ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में आपका डेटा जो है वो चेक नहीं किया जाता, वेरीफाई नहीं किया जाता। आपका जो डेटा कह लो या पेलोड कह लो वो एक तरीके से चेक या वेरीफाई
नहीं किया जाता, सिर्फ उसके ये जो पैरामीटर्स है उस डेटा पैकेट के, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर, यही चेक किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी लेस है, इट इज लेस सिक्योर, दिस फायरवॉल इज लेस सिक्योर। क्यों आप पूछोगे क्यों? बिकॉज अगर ये सोर्स एड्रेस मेरा सही है, सिक्योर है, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर सब कुछ सही है, तो फायरवॉल उसको अलाउ करेगा टू एंटर इनटू प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन अगर उसका जो डेटा है, अगर उसका डेटा मैलिशियस हुआ तो, अगर उसका डेटा हार्मफुल हुआ तो ये सारी फील्ड्स तो वेरीफाई हो जाएंगी और उसका जो एक्सेस है वो ग्रांट हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन भाई उसका डेटा अगर मैलिशियस हुआ तो फिर वो आपके प्राइवेट नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएगा, वो मैलिशियस डेटा। इसीलिए इसे लेस सिक्योर माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपका डेटा या पेलोड चेक ही नहीं होता, बराबर। ये जो ऊपर के पैरामीटर्स है, ये जो सारे पैरामीटर है जिसके ऊपर आपके रूल्स डिफाइन है, वो चेक होते हैं, बराबर। तो यहाँ तो ये सिस्टम समझ में आ गया, तो ये थोड़ा लेस सिक्योर है। तो अभी इससे थोड़ा ज्यादा सिक्योर कौन सा होगा, जो आपके डेटा को भी यानी कि पेलोड को भी चेक करेगा, तो वो आ जाते हैं हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे के ऊपर। एप्लीकेशन लेवल गेटवे को हम प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देखिए, ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर है, उसे इस जो आपका इंटरनल नेटवर्क है उसके इस इंटरनल होस्ट को आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बराबर। और ये आपका इंटरनेट है, तो होता क्या है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर में, क्या होता है ये मोर सिक्योर है। क्यों मोर सिक्योर है? बिकॉज यहाँ पे जो आपका ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये आपके डेटा यानी कि पेलोड को भी चेक करता है, पेलोड को भी वेरीफाई करता है कि भाई कहीं इस डेटा में कोई मेलिशियस कंटेंट तो नहीं है। अगर ये पूरी तरीके से सेफ है तभी जाके वो इंटरनल होस्ट के पास जाता है, ये इंटरनल नेटवर्क में सेंड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है बाय द प्रॉक्सी सर्वर। अगर उस डेटा में कुछ भी मेलिशियस मिलता है तो आप सिंपली क्या करते हो, उस डेटा को यहीं से वापस भेज देते हो, उसको अंदर नहीं जाने देते, उसको डिस्कार्ड कर देते हो, ठीक है। ये समझना है प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग ओवरहेड तो हम समझेंगे, चेक द डेटा और पेलोड ये तो समझ में आ गया। अब होता क्या है वो समझते हैं। समझ लीजिए इंटरनल होस्ट जो है उसे इंटरनेट को एक्सेस करना है, कुछ डेटा इंटरनल इंटरनेट से उसे चाहिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है। तो इंटरनल होस्ट को ये लगता है कि वो एक्चुअल में डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्टली इंटरनेट से डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा उसको लगता है वैसा होता नहीं है। वो क्या करता है, जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट इंटरनेट के पास नहीं आती, वो जाती है प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से वेरीफाई करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट करने के लिए ये इंटरनल होस्ट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट फिर फॉरवर्ड की जाती है इंटरनेट को, जो एक्चुअल सर्वर होगा उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड, वहां पे वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है। फिर यहां से उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो जाता है, अभी यहां पे इंटरनेट को लग रहा है, अभी इंटरनेट क्या करता है, ये जो डेटा है ये प्रॉक्सी सर्वर को देता है। किसे देता है? प्रॉक्सी सर्वर को। अब ये जो डेटा यहाँ पे आया, इस डेटा को चेक किया जाता है, यहाँ पे जो डेटा इंटरनेट ने सेंड किया है वो प्रॉक्सी सर्वर चेक करता है, वो चेक करता है कि भैया कहीं इसमें कोई मेलिशियस कंटेंट तो नहीं, ये ढंग का तो है, कहीं इसमें और कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि मेरे इंटरनल होस्ट एंड इंटरनल एनवायरमेंट को, नेटवर्क को पूरी तरीके से हार्म कर सकता है। अगर ऐसा कोई एक भी अगर डिटेक्ट हो जाता है मेलिशियस कंटेंट, तो उसे वहीं पे डिस्कार्ड किया जाता है, उस डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। लेकिन वो पूरी तरीके से अगर सेफ पाया गया डेटा, तो वो जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरनल होस्ट को, वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरनल होस्ट को। तो अभी यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई एक तरीके से आपका मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, बिकॉज यहाँ पे डेटा और पेलोड भी चेक हो रहा है। दूसरी बात, ये जो रिक्वेस्ट की गई थी किसी एक डेटा के लिए, तो इंटरनेट को लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट की गई थी वो इस प्रॉक्सी सर्वर ने की है, बिकॉज फिर वो सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर को दे रहा है। लेकिन इसे पता नहीं है कि एक्चुअल रिक्वेस्ट इस इंटरनल होस्ट ने की थी, उसे लगता है कि वो रिक्वेस्ट इसने की थी। उसी तरीके से जो इंटरनल होस्ट है, इंटरनल होस्ट को लगता है कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी वो डायरेक्टली कनेक्ट अप कर गई है इंटरनेट को, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्चुअली आप प्रॉक्सी सर्वर को देते हो, फिर प्रॉक्सी सर्वर यहां जाता है, यहां से डेटा लेता है, वेरीफाई करता है डेटा को, अगर सेफ पाया गया तो ही इंटरनल होस्ट तक वो पहुंचाता है, ताकि इस इंटरनल एनवायरनमेंट की, नेटवर्क की और इस होस्ट की एक तरीके से सिक्योरिटी बनी रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अचीव्ड बाय द एप्लीकेशन लेवल गेटवे, या जिसे हम लोग प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये दो वेरी आईएमपी टाइप्स ऑफ फायरवॉल एक्सप्लेन कर दिए हैं विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये इसका एडवांटेज एक दोस्तों ये है पैकेट फिल्टरिंग का, कि ये बड़ा सिंपल टू इंप्लीमेंट है, लेकिन सिक्योरिटी कम है इसकी, बिकॉज यहाँ पे पेलोड या डेटा चेक नहीं किया जाता। यही सिर्फ एक उसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो वो काफी सिंपल है टू इंप्लीमेंट, ठीक है। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एंड एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल के बारे में यहाँ पे मैंने अच्छी खासी आपको जानकारी दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर कीजिए शेयर। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।